आपके द्वारा क्या निरीक्षण किया गया है? नहीं, ये कल की कुछ अव्यवस्था की शिकायत आई थी कोरोना के उसमें, जहाँ पे हम लोग टेस्टिंग करा रहे हैं। आज जो व्यवस्था बनाई गई है वो काफ़ी कारगर साबित हो रही है। तभी भी मैं समझता हूँ कि लोगों को तभी सैंपल कराने आना चाहिए जब उनको सर्दी खांसी जुकाम। देखिए, हमको इस बात का कोई भय नहीं है कि हमारे जितने ज़िले में कितने केस आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आए वही जिसको किसी प्रकार का कोई सिम्टम हो और जिसको लग रहा हो कि उसे कोरोना हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे कल से हम लोग प्रयास करेंगे ऑनलाइन टोकन का, कि एक दिन पहले ही आप अप्लाई करके अपना ऑनलाइन टोकन ले लीजिए और फिर लाइन में आइए, क्योंकि यहाँ 200 ही सैंपल होने हैं। लोगों को पहले से पता रहेगा कि 200 लोग टोकन ले चुके हैं तो आने का कोई मतलब नहीं है। तो आज से हम वो भी व्यवस्था करेंगे, यदि वो कारगर साबित होगी तो यहाँ से ये मैनुअल टोकन देने वाला सिस्टम भी ख़त्म कर दिया जाएगा। सर, ऐसे कितने लोग हैं जो मतलब जो परिवार के लिए हैं? नहीं, देखिए, हर तरीके के लोग हैं। मैं समझता हूँ कि काम, व्यापार और हर चीज़ की ज़रूरत है। मैं प्रशासन के रूप से किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत आओ, सब आए जिनको लगाना है। हमने व्यवस्था वॉलंटरी रखी है, लेकिन तभी भी लोगों को अपने स्वास्थ्य की स्वयं चिंता करने की ज़रूरत है। देखिए, ये बहुत लंबी लड़ाई है, जब तक सब सहयोग नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। और मैं ऐसा भी कुछ सुन रहा था, मेरे स्वास्थ्य को लेकर के कोई संशय था, तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरा स्वास्थ्य अभी अब जिलेवासियों की कृपा से बिल्कुल ठीक है। आप लोग का स्थिर रहेगा तो आगे भी ठीक रहेगा।